एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। प्रस्तुत है सामवेद भाग 57, ऋचा संख्या 999। ऋषि कश्यप देवताओं के पिता, विष्णु इंद्र आदि के पिता कश्यप ऋषि, जो जगत को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, जो हमारे शरीर में ओज शक्ति वीर्य बनकर हमें ताकत प्रदान करता है, जो ब्रह्म तेज बनकर हमारे मस्तक पर चमकता है। छंद गायत्री, ऐसा छंद जिनको तीन पंक्तियों में गाया जाता है, उन ऋचाओं को गायत्री कहा गया है। स्वर षड्ज, प्रथम स्वर सा। ओ यत सोम चित्र मुक्तयम् देव्यं पार्थिवं वसु तन्नः पुनान आभर। हे अमृत पुरुष परमेश्वर, मुझको तू पवित्र आत्मा बना दे, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर जो मैं धर्म आचरण करूं, यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर सकूं, मेरे मस्तक पर छाए अंधकार को, दुर्गुणों को, क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ आदि अवगुणों के अंधकार को तू हटा दे। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1000। ऋषि कश्यप जगत को जो ज्ञान दृष्टि से देखता है, देवगणों का जो पिता है, ऐसा ऋषि देवता सोम ईश्वर के अमृत स्वरूप का वर्णन, जो अमृत हमारे शरीरों में प्रवाहमान है। छंद गायत्री, स्वर षड्ज, वृष पुनान आयो मशी, इस तन्यन्न देबहिर् ऋषि। हरि हसन्यो निमासद, जब जीव आत्मा जगत तृष्णा से वासनाओं से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तभी वो अपने भीतर उस परम ब्रह्म की
दिव्य वाणी को सुन पाता है, उसके दिव्य प्रेम को अनुभव कर पाता है। जब जीव वासना से खाली हो जाता, पार ब्रह्म की तब वो वाणी सुन पाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1001। ऋषि कश्यप देवताओं के पिता, जगत को ज्ञान की दृष्टि से देखने वाले ऋषि, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद गायत्री, स्वर षडज। योवम स्थः स्वः पति इन्द्रश्च सोम गोपति, ईशाना पिप्यतं धियः। जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है वो आत्मा स्वर्ग में बसता है, वो परम ब्रह्म की उपासना करता हुआ स्वर्ग में जाके इंद्र बनता है। अतः ब्रह्मचर्य की साधना से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त शांत और प्रसन्न बना रहता है। अतः परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों को, सभी को इस ब्रह्म तत्व ब्रह्मचर्य की साधना अवश्य करनी चाहिए। जो ब्रह्मचर्य की साधना करता वो आत्मा से स्वर्ग में बसता, जो पार ब्रह्म की उपासना करता वो स्वर्ग में जाके इंद्र बनता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1002। ऋषि गौतम ऐसा ऋषि जिसको अपने मन और इंद्रियों पर संयम है, देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद पंक्ति ही, स्वर पंचम। इंद्रो मदाय वावृधे शवसे व्रत्रहानृभिः, तमिन्महत स्वाजीषु तिम अर्भे हवामहे, स
सावाजेशो प्राणो अवेशत। हे परमेश्वर, तू ही है अंधकार का विनाशक, तू ही है संग्राम में हमारा सहायक। सारा जगत तेरी महिमा को गाता है, तू संकटों से आत्मा को पार लगाने वाला है। तू ही है अंधकार का विनाशक, संग्राम में तू हमारा सहायक। सारा जगत गावे तेरी गाथा, दुख संकटों में तू ही त्राता। त्राता यानी संकटों से पार लगाने वाला, हे परमेश्वर तू ही है। अमरत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1003। ऋषि गौतम, ऐसा ऋषि जिसको अपने मन, अपने बुद्धि, अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन। छंद पंक्ति स्वर पंचमह। असी ही वीर सेन्योसी, भूरी पराद दीह। असी दभ्रस्य चेदधो यजमानाय शिक्षसि। सुनवन्ते भूरिते वसु। संकीर्ण हृदय विशाल बन जाता है जो उस परम ब्रह्म की उपासना में लग जाता है। ब्रह्म के संपर्क में यह जीवात्मा जब आता है, यह स्वम अपने दुष्ट विचारों का दलन करने वाला और संसार में जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका दमन करने वाला बन जाता है। संकीर्ण हृदय विशाल बन जाता जो ब्रह्म उपासना में लग जाता। ब्रह्म संपर्क में जब जीव आता, दुष्ट दलन वो स्वम बन जाता। अमरत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1004। ऋषि गौतम, ऐसा ऋषि जिसे अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, संयम है,
देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन छंद पंक्ति ही स्वर पंचम यदो देरत आजयो दर्शन वे धीयते दनम युडस्वा मदच्युता हरि कम्हना कम वसो दधस्माम इंद्र वसो दधः। हमारे वीर पुरुष अश्व यानी घोड़ों की तरह बहादुर हों, जो कि संग्राम में विजय को प्राप्त करें, पल भर में शत्रु का नाश कर दें और हमें महान रतन और संपदाएं प्राप्त हों। अश्व जैसे हों वीर हमारे, पावे विजय सब वीर हमारे, करें पल भर में शत्रु का नाश, रतन महान आवे हमारे हाथ। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1005। ऋषि गौतम, ऐसा ऋषि जिसे अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वादो रे था विशोवतो मधोह पिबन्ति गौर यः या इन्द्रेण सयावरी व्रशणा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्ययम्। हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू हमारी कामनाओं को पूरा करता है। कोई जब तेरी स्तुति करता है तो तू उसके मनोभाव को जान लेता है। तू संसार में खुशियों को बरसाता है। तू अपनी शरण में आई हुई आत्माओं को महान बनाता है, उनको महानता की तरफ ले जाता है। प्रभु तू कामना पूर्ण करता, जब कोई तेरी स्तुति करता, तू संसार में खुशियां बरसाता, तू आत्माओं को महान बनाता।
अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1006। ऋषि गौतम, ऐसा ऋषि जिसने अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में किया हुआ है, देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद पंक्ति ही स्वर पंचमः, तस्य प्रशना युवः सोमं श्रीणन्ति प्रशनायः, प्रिया इन्द्रस्य धेनवो व्रजम्, हिनवन्ति सायकं वसवीरनु स्वराज्यम्। जो व्यक्ति, जो साधक अपने मन को विजय करने वाला होता है, मन के पीछे नहीं चलता, वह महान बुद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्म बुद्धि से वो जगत में परम ब्रह्म का बखान और प्रवचन करने वाला होता है। ईश्वर उसको उसकी अंतरात्मा में ही दर्शन देता है और उसे आत्मा में पवित्र और पावन और जगत में पूज्य बना देता है। मन जीतने वाला होता महान, ब्रह्म बुद्धि से करे ब्रह्म बखान, ईश्वर का उसको दर्शन होता, जो आत्मा से पावन होता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1007। ऋषि गौतम, ऐसा ऋषि जिसे अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद पंक्ति ही स्वर पंचमः, तस्य नमसा सह सर्प यन्ति प्रचेतस, व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरुणि पूर्वचित्तये वसवीरनु स्वराज्यम। ईश्वर का ज्ञान हमें यह फल देता है कि वो हमें न्याय और करुणा दोनों प्रदान करता है। सभी शक्तियां उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हैं, इसलिए अभिमान ना कर, गुमान ना कर, अपना मस्तक उस परम ब्रह्म के आगे
झुका उसके चरणों पे धर दे। ईश्वर का ज्ञान हमें ये फल देता, न्याय और करुणा हमें सिखा देता। सब शक्ति ईश्वर की गोमान मत करना, अपना मस्तक प्रभु चरणों पे धरना। प्रभु परमेश्वर तो निराकार है, यहाँ प्रभु सच्चे गुरु को कहा गया है। गुरु के वचनों के अनुसार चलना, गुरु में श्रद्धा रखना, गुरु के चरणों पे अपना मस्तक रखना, तुझको महान शांति और ब्रह्म तत्व की अवश्य प्राप्ति होगी। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1008। ऋषि जमदग्नि, ऐसा ऋषि जिसने संयम के द्वारा यम नियम का पालन करके ब्रह्म अग्नि में अपने सभी राग द्वेष अवगुणों को दग्ध कर डाला है, फूंक दिया है। देवता सोम परमेश्वर के अमृत रूप का वर्णन छंद गायत्री स्वर सड़ज असाव्यम शूरमा दायापसु दक्षो गिरीष्ठा येनो न योनि मा सदत। बादल में जैसी बिजली रहती है, ऐसी ही देह में ब्रह्मचर्य की शक्ति निवास करती है। यह सोम वीर्य का संचय और संयम ब्रह्मचर्य पालन सुख देने के लिए उपजता है। जैसे आकाश के बीच में बादल उपजते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के पालन से हमारे भीतर तेज शक्ति बल ओज साहस प्रसन्नता और पुण्य कर्म करने की शक्ति हमको प्राप्त होती है। बादल में जैसे बिजली रहती, देह में ब्रह्मचर्य शक्ति रहती, सुख देने को उपजता सोम। सोम यहां हमारे ऋषियों ने वीर्य तत्व को सोम कहा है। सुख देने को उपजता सोम, जैसे मेघ उपजे बीच व्योम। व्योम माने आकाश, आकाश में जैसे बादल उपजता है और बरसता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के पालन से हमारे शरीर में अमृत की वर्षा होती है।
अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1009। ऋषि जमदग्नि, ऐसा ऋषि ब्रह्म अग्नि में जिसने अपने पापों को दग्ध कर डाला है, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर षड्ज, शुभ्र मंधो देववातम मपसुद्योतम नृभिः सुतम स्वदन्ती गावः पयोभिः। ब्रह्मचर्य के बल से पुरुष कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है, कितनी ही बाधाओं को पार करके देवों की भूमि को पाता है, यानी मनुष्य जनित अवगुणों का त्याग करके वह इस शरीर में रहते रहते ही देवता बन जाता है। ब्रह्मचर्य के बल से पुरुष कहीं से कहीं पहुंच जाता, बाधाओं को पार करके देवों की भूमि को पाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1010। ऋषि जमदग्नि, ब्रह्म अग्नि में जिसने अपने अवगुणों को राग द्वेष आदि को भस्मीभूत कर डाला है, ऐसा ऋषि देवता सोम, सोम वीर्य शक्ति का वर्णन इन ऋचाओं में है, छंद गायत्री स्वर सड़जक, आदिमश्वम न होतारम शुशुभन्नमृताय मधोरसं सद्मादे। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से मनुष्य महान तेजस्वी हो जाता है, वह हर क्षण ब्रह्मानंद में समाया रहता है, उसके शरीर में रोग नहीं होते, वह निरोग और सदा प्रसन्न चित्त बना रहता है। ब्रह्मचर्य से नर तेजस्वी होता, ब्रह्मानंद में समाया रहता, रोग न होते निरोग रहता,
प्रसन्न चित सदा बना रहता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1011। ऋषि जमदग्नि, ऐसा ऋषि ब्रह्म अग्नि में जिसने अपने सभी अवगुणों को दुर्गुणों को भस्म कर डाला है, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, वो अमृत हमारे शरीर में वीर्य कहलाता है, उसी को ऋषियों ने सोम कहा है। छंद ककुभूषणिक, स्वर ऋषभ। अभिद्युम्नम् बृहद्यश ईशस्पते दिदिहि देवदेवयोम् विकोशम मध्यमम् युव। ब्रह्मचर्य कैसा है? जैसे सूर्य की किरणें। ब्रह्मचर्य ऐसा है जैसे चंद्रमा की किरणें। तेज और शांति, यह ब्रह्मचर्य दोनों को बढ़ाता है। हृदय के कपाट खोलकर यह साधना मनुष्य को उस परम ब्रह्म से मिलाने वाली साधना है। ब्रह्मचर्य जैसे सूरज की किरणें, ब्रह्मचर्य जैसे चंद्रमा की किरणें, तेज शांति दोनों को बढ़ाता। हृदय कपाट खोल ब्रह्म से मिलाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1012। ऋषि अंगिरस, साधना के बल से जिसके अंग अंग से ब्रह्मरस टपकता है, ऐसा ऋषि देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन। छंद सतुब्रहते, स्वर पंचमः। आवच्य स्व सुदक्ष चम्मवोह सुतो विषाम बहिन्नर वेशपति वृष्टिम देवः पवस्व रीतिमपो जिनवन गवीष्ट ये धियः। साधक को यह ब्रह्मचर्य उस परम ब्रह्म से मिलाता है, यह आत्मा का वाहन बन जाता है और इस आत्मा को अजर अमर तत्व, सनातन तत्व,
ईश्वर तत्व में ले जाके स्थापित कर देता है। साधक को ये ब्रह्मचर्य उस पार ब्रह्म से है मिलाता, वाहन आत्मा का बन जाता, अजर अमर तत्व में ले जाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1013। ऋषि त्रित आपतः, ऐसा ऋषि जो काम क्रोध लोभ से ऊपर ब्रह्म अग्नि में तपता है, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद ऊष्णिक स्वर ऋषभ, प्राणाशेषु मर ही नामहिन्द्रन तस्य दीधीतिम विश्वापरिप्रिया भुवद्वीता। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शिशु के समान सरल हृदय बन जाता है, वह जगत में सबका प्रिय बन जाता है, वह ज्ञान और वैराग्य से तेजस्वी बन जाता है, वह धरती का पुत्र बन जाता है, जहां भी जाता है लोग उसे प्यार करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसमें पूज्य भाव रखते हैं। ब्रह्मचारी शिशुवत ब्रह्मचारी सरल बन जाता, जगत में सबका प्रिय बन जाता, ज्ञान वैराग से तेजस्वी बन जाता, धरती का वो पुत्र बन जाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1014। ऋषि त्रित आपतः, ऐसा ऋषि जो सत्कर्म करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, बुद्धि और आत्मा के बल को जो निरंतर बढ़ाता रहता है, देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन, छंद ऊष्णिक स्वर ऋषभ,
उपत्रितस्य पाशयो अरभक्त यद गुहापदम यज्ञस्य सप्त धाम भीरध सप्त धाम भीरध प्रियम। सच्चा साधक प्रभु को प्राप्त करके आप्त बन जाता है, तपे हुए स्वर्ण जैसा बन जाता है, काम क्रोध लोभ से वो परे हो जाता है। जिसका मन पुण्य कर्मों से बंधा रहता है, अंत में ऐसा जीव स्वम ब्रह्म रूप ही हो जाता है। प्रभु को प्राप्त कर आप्त बन जाता, काम क्रोध लोभ से परे हो जाता। जिसका मन पुण्य से बंधा रहता, अंत में वो ब्रह्म रूप हो जाता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1015। ऋषि त्रित आप्तः तीनों गुणों से जो परे हो गया है, साधना की अग्नि में जो स्वर्ण की तरह तपा हुआ है, ऐसा ऋषि देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन छंद ऊष्णिक स्वर ऋषभ। त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेश्वर यद्र यम मीते अस्य योजना वि सुक्रतुः। मन वाणी और निर्मल बुद्धि ब्रह्मचर्य से ही इनकी शुद्धि होती है। जब कोई इस ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दृढ़ संयमी बनता है, तब वह परमहंस बना, देवात्मा बना, ब्रह्म आकाश में उड़ान भरता है। मन वाणी और निर्मल बुद्धि ब्रह्मचर्य से होती इनकी शुद्धि। जब कोई ब्रह्म का संयम करता, परमहंस बन गगन में उड़ता। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1016। ऋषि कश्यप देवताओं के पिता हैं। ये ऋषि कश्यप जगत को जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ऋषि
देवता सोम, जहां सोम का वर्णन है समझना चाहिए, यहां हमारे ऋषि ब्रह्मचर्य तत्व की चर्चा कर रहे हैं। छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार, पव स्ववाज सातये, पवित्र धारया सुतः, इंद्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमतरः। हे परमेश्वर, तू हमें मनुष्यों से देवता बना दे, अपने प्रेम की मधुरता हमें प्रदान कर। ज्ञान का प्रकाश जब आत्मा में होता है, तभी कोई ज्ञान नेत्रों से तेरा दर्शन कर पाता है जगत रूपी संग्राम में। हे परमेश्वर, तू हमें विजयी बना। हमारा विश्वास है, जब तू हमारे साथ है तो अवश्य ही विजय हमारी ही होगी। मानुष से प्रभु मुझे देवता बना दे, अपनी मधुरता में मुझ को डुबा दे, ज्ञान प्रकाश में होवे तेरा दर्शन, जगत के संग्राम में विजय दिला दे, अमरत पुरुष मुझको पावन बना दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे, मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। ऋचा संख्या 1017। ऋषि कश्यप, देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि। जगत को जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, सभी में ब्रह्म को जो देखने वाले हैं, देवता सोम, वीर्य रक्षण, ब्रह्मचर्य पालन, सोम से ये अर्थ है। कितने ही लोग समझते हैं सोमरस मदिरा पान, नहीं, ये जो वीर्य शक्ति हमारे शरीर में है ब्रह्मचर्य के द्वारा, जब कोई साधक इसका संचय करता है, संयम करता है, इसको शरीर में ही खपाता है, तो ब्रह्म तेज से वो उद्दीप्त हो उठता है। छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार, त्वामरे हन्ते धीतयो, हरिम पवित्रे अद्रुह, वत संजातम नामातरह, पवमान विधर्मणि। ध्यान के द्वारा उस परम ब्रह्म का पूजन करो, अपने मन से द्वेष और द्रोह, क्रोध और बैर, इनका विसर्जन कर दो, अपनी ही आत्मा में उस परम ब्रह्म का दर्शन करो। कण कण में, सृष्टि के कण कण में उसी का स्पंदन है, आंदोलित वो हो रहा है, ऐसा महसूस करो। ध्यान
मन के द्वारा करो ब्रह्म पूजन। मन से द्वेष द्रोह करो विसर्जन। स्वम में करो पार ब्रह्म का दर्शन। कण कण में है उसी का स्पंदन। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे। मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। अमृत पुरुष मुझको पावन बना दे। मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। आ हो तक से मेरे अंधकार मिटा दे। मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। मस्तक से मेरे अंधकार मिटा दे। शांति शांति। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा